आज यहाँ पर हम लोग जियोमेट्रिक मीन की बात करेंगे, ठीक है। तो जियोमेट्रिक मीन में क्या होता है, ज़रा इसको पढ़ें। जियोमेट्रिक मीन, द जियोमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी इज द नंबर, एक नंबर होता है जो नंबर रूट ए बी होता है, ठीक है। जैसे आपके पास मान लीजिए एक नंबर टू है और एंड एक नंबर फोर है, आपसे कहा जाए कि जियोमेट्रिक मीन बताएं टू एंड फोर का, तो आप कहेंगे रूट टू मल्टीप्लाई फोर। तो टू मल्टीप्लाई फोर यहाँ पर तो ये आ जाएगा रूट चार दुने रूट एट, ये आएगा जियोमेट्रिक मीन जो कि एक पॉजिटिव नंबर होगा। यहाँ पर टू और एट लिया है तो इसको एट कर दिया जाए, तो टू एंड एट कर दिया जाए तो यहाँ पर टू मल्टीप्लाई एट हो जाएगा, ठीक है। यह मल्टीप्लाई एट हो जाएगा, अब कितना आ जाएगा रूट सिक्सटीन आएगा, रूट सिक्सटीन, और जिसका आंसर आता है फोर। तो टू एंड एट का जियोमेट्रिक मीन कितना आएगा, फोर आएगा। यहाँ पर यह बात लिखा गया है देयर फोर जियोमेट्रिक मीन ऑफ टू एंड एट इज फोर, ओके। तो इस तरीके से जियोमेट्रिक मीन हम पता कर लेते हैं। और ये जो जियोमेट्रिक मीन है, अगर इसको टू और एट के बीच में रखा जाए तो इस तरीके से बनेगा टू फोर एट, और ये तीन थ्री नंबर आपको दिखेंगे और ये एक जीपी बनाएंगे, ठीक है। इस बात को आप याद रखें। सपोज कर लो कि आपके पास टू नंबर्स ए और बी है, ऐसे टू पॉजिटिव नंबर्स हैं, ओके, कोई भी एनी टू पॉजिटिव नंबर्स, और इनके बीच में आपको इंसर्ट कराना है कुछ इस तरीके से नंबर, जैसे जी वन जी टू जी थ्री, ये टोटल जी थ्री नहीं जी एन है एंड सो ऑन, इस तरीके से एन नंबर्स हैं, इनको क्या, ये जितने भी नंबर्स हैं सब के सब क्या हैं, पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी, सच दैट यहाँ पर रखे गए हैं इस तरीके से ए ये बी, इसके बीच में ये आपके जी वन जी टू जी थ्री एंड सो ऑन जी एन, तो एन नंबर हैं जी वन जी टू के रूप में, और ऑलरेडी पहले से दो पहले से प्रेजेंट हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, एन प्लस टू हो जाएंगे, और जो लास्ट का टर्म है वही आपका एन प्लस टू टर्म होगा, ठीक है। ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ठीक है। ऐसे ही ये एन टर्म है, ठीक है। जी एन जो होगा वो एन प्लस वन होगा, अब बी वाला एन प्लस टू हो जाएगा, तो यहाँ पर जो बी होगा वो एन प्लस टू होगा, और एन प्लस टू टर्म को हम इस तरीके से लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। क्यों लिखते हैं, अगर हम आपसे कहें कि आप एन टर्म लिखो तो nth टर्म, nth टर्म लिखो, तो आप लिखते हैं इस तरीके से ar पावर n माइनस वन, ठीक है। तो nth की बात किया जाएगा तो n माइनस वन लिखा जाएगा, अगर यहीं n के पोजीशन पर n प्लस टू बोल दिए तो अब यहाँ n प्लस वन लिखेंगे, ठीक वैसे यहाँ लिखा गया है। ये आपका कौन सा टर्म है, b है, ठीक है। और ये जो b है यहाँ पर ए है, ये पहला टर्म है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप इसके साथ लगाइए, इसके साथ लगा देंगे तो ये बन जाएगा बी अपान ए, कहने मतलब राइट से लेफ्ट में लाइए, इज इक्वल टू आर की पावर एन प्लस वन। अब यहाँ से आर आपका बन जाएगा बी अपान ए की पावर एन प्लस वन, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से R निकल गया, जब R ये आपको मिल गया तो आप G1 बता सकते हो। G1 क्या है, G1 सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म तुम क्या लिखते हो, AR लिखते हो, तो R के पोजीशन पर आप इसको रखिए तो आपका ये बन जाएगा। G2 आपका थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म को AR स्क्वायर लिखते हो, और फिर यहाँ R के पोजीशन पर आप ये फंक्शन जो रिजल्ट आया है नंबर उसको रखो तो आपको G2 मिल जाएगा। इस तरीके से सारे टर्म आप बता सकते हैं। इस पर एक एग्जांपल है, एग्जांपल ज़रा देखो, ये आपके एक नंबर वन है, एक नंबर 256 है।
अब इसके बीच में तुमको इंसर्ट कराने हैं 3 नंबर, ठीक है। और फिर आपको रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या कैसे होना चाहिए जीपी में, तो चलो ठीक है जीपी में होना ही ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो ये 1 है, ये 256 है, अब इसके बीच में आपके 3 नंबर रखे गए G1, G2, G3, ठीक है। तो टोटल कितने टर्म है ज़रा काउंट करो, 3 ये है, 2 ये 5 हो गए, जैसे वहाँ N+2 था तो ऐसे यहाँ 5 हो गया, तो ये 5th टर्म आपका 256 है, ठीक है। 5th टर्म मतलब AR पावर 4, ये 5th टर्म हो गया, ठीक है। 5th टर्म किसके इक्वल है, 256 के। अच्छा अब यहाँ ए तुमको कितना लिया है, 1 लिया है, तो 1 हो जाएगा 1 × R की पावर 4 = 256, ठीक है। अब इसको लिख सकते हो R की पावर 4 = 256 को लिख सकते हो, 4 की पावर 4 लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपका R आ गया 4, R पता चल गया, और पहला टर्म ऑलरेडी पता है तो G1 बता सकते हो। G1 कौन सा टर्म है, G1 आपका सेकंड टर्म है, सेकंड मतलब AR। अब A कितना है, A तो 1 है, R कितना है, R 4 है, ठीक है। तो आपको G1 मिल गया कितना, 4, ठीक है। अब आप G2 बता सकते हो, G2 कौन सा टर्म है, G2 आपका 3rd टर्म है, मतलब AR² लिखोगे, A आपका 1 है, ठीक है, और R आपका 4 है, 4² = 16 हो जाएगा, ठीक है। अब आप G2 हो गया, G3 है बता सकते हो, G3 कौन सा टर्म है, 4th टर्म है, 4th टर्म को आप लिखते हो AR³, A की पोजीशन पर 1, R के पोजीशन 4 का क्यूब, तो 4 × 16 = 64 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से G1, G2, G3 ये सब नंबर आपको मिल गए जो इंसर्ट कराए गए थे, ठीक है। और इस तरीके से इनको अगर एक साथ लिखोगे तो ये ऐसे लिखाएंगे, ये आपके रिजल्ट निकल के आए हुए हैं, ठीक है। ये तो हो गया किसकी बात, R = 4 की बात, ओके, इसकी बात। अगर इस तरीके से अगर आप इसको नहीं सॉल्व करते हो, अगर इसको डायरेक्ट अगर आप सॉल्व करोगे तो इसके 2 रूट्स आएंगे, एक तो आएगा माइनस में भी आएगा, और जब माइनस में आएगा तो माइनस के अकॉर्डिंग आप ले चलोगे तो -4 आपको एक मिलेगा, एक 16 मिलेगा, एक -64 मिलेगा। यहाँ तो +4 के अकॉर्डिंग हम चले हैं, R की वैल्यू +4 लेकर, क्योंकि इस तरीके से सॉल्व किए R की वैल्यू 4 आया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब रिलेशन आपको याद रखना है AM एंड GM, ओके। अच्छा यहाँ से -4 कैसे आएगा अगर आप ये सोच रहे हैं, तो चलो इसको हम करके दिखा देते हैं, ठीक है। +4 भी आएगा, -4 भी आएगा, तो R पावर 4 = कितना है, 256 है, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं इसे, या तो आप ऐसे सोच भी सकते हो कि जो भी रूट्स होंगे इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाइज करेंगे, तो इस इक्वेशन को 4 तो सेटिस्फाइज करेगा, पक्की बात है, तो -4 भी सेटिस्फाइज करेगा। यहाँ -4 डालो आप, तो -4 का पावर 4 कितना आएगा, 256 आएगा, इसका मतलब -4 इसका रूट है। अब अगर 4 का पावर 4 करोगे तब भी 256 आएगा, इसका मतलब +4 भी इसका रूट्स है। तो इसके 2 रूट्स लिए, वैसे तो इसके 4 रूट्स आएंगे, लेकिन उस रियल रूट्स नहीं, कि रियल रूट में कौन कौन आएंगे, आपके -4 और +4 आएंगे, टेकिंग रियल रूट्स ओनली, ओके। ये देखो रिलेशनशिप बिटवीन AM एंड GM, AM का मतलब अर्थमेटिक मीन, GM का मतलब ज्योमेट्रिक मीन। अर्थ अगर आपके पास 2 नंबर्स हैं, एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, तो इसका अर्थमेटिक मीन जो होता है वो एवरेज होता है, तो A+B/2 करके निकाल लेंगे। ज्योमेट्रिक मीन मैंने अभी बताया, रूट करके निकाला जाएगा, जैसे अभी यहाँ पर देखो 2 और 8 था, इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, रूट करके निकाला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रूट करके निकालेंगे √AB, ओके। अब अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन देखा जाए, तो आप याद रखो कि
अर्थमेटिक मीन आपका सदैव अधिक होगा किससे, ज्योमेट्रिक मीन से, या कभी कभी इक्वल भी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको इन्होंने यहाँ पर कैसे दिखाया है इसको सुन लो। a माइनस जी, एक ये आपका a प्लस बी अपॉन टू है, g आपका रूट ए बी है, यहाँ से एलसीएम ले ले गया तो a प्लस बी माइनस टू रूट ए बी हो गया, इसका होल स्क्वायर के फॉर्म में ऐसे लिख दिया गया। ठीक है, और ये क्वांटिटी नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव मतलब ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो है, तो ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब है कि a आपका अधिक है, g आपका कम है। ठीक है, एग्जाम्पल 18 जरा देखो, इस पर बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ये कि यदि इफ ए एम एंड जी एम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी आर 10 and 8, मतलब दो पॉजिटिव नंबर तुमको पता नहीं कौन कौन नंबर है, बट उनका अर्थमेटिक मीन तुमको पता है कितना 10 है और ज्योमेट्रिक मीन 8 है, तो मतलब ये हुआ कि a प्लस बी अपान टू, अर्थमेटिक मीन क्या कैसे लिखते हैं, एवरेज, a एंड b का एवरेज क्या होगा, a प्लस बी अपान टू, ये किसके इक्वल है 10 के, ज्योमेट्रिक मीन रूट करके निकालते हैं ये किसके इक्वल है 8 के। ठीक है, तो यहाँ से a प्लस बी, पहले इक्वेशन से a प्लस बी कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, यहाँ से ए बी कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा स्क्वायर करने पर। ठीक है, तो वन इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन बन गया, टू इक्वेशन से फोर्थ इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, ये आइडेंटिटी आप याद करो, आपने याद किया होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, नहीं याद है तो आप याद कर लें, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ a प्लस बी कितना है, a प्लस बी 20 है, 20 के स्क्वायर करोगे 400 हो जाएगा, और 4ab, ab 64 है, 4 इंटू 64 करोगे 256 आएगा, इस तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर 144 आ जाएगा। अब इसका रूट लोगे तो प्लस माइनस करके आंसर आएगा, तो एक बार प्लस लिया जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू एक बार प्लस लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमको a प्लस बी पहले से पता है कितना 20, इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो तुमको ये रिजल्ट मिल जाएगा, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 16, और अगर माइनस 12 लेकर सॉल्व करोगे तो हो सकता है a की वैल्यू 16 मिल जाए, b की वैल्यू 4 मिल जाए। कहने कुल मिला जुला कहने मतलब ये है, एक a की और b की वैल्यू 4 16 होगी या 16 4 होगी। चलो हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं, किसको लेकर, प्लस लेकर। ठीक है, दिखा देते हैं, तो ये 12 लेकर तो सबट्रैक्ट कराएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल टू आ जाएगा 2 2 3, a इक्वल टू हो जाएगा 16, मतलब अगर प्लस लेकर चलेंगे तो एक वैल्यू 16 आएगी, अगर माइनस करके चलेंगे, अगर इसको माइनस करके चलेंगे माइनस करके तो तब 2a इक्वल टू आ जाएगा 8, a इक्वल टू आ जाएगा 4, तो कहने मतलब ये रिजल्ट माइनस करके निकला है और ये रिजल्ट प्लस करके निकला है। ठीक है।